लेकिन एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं, कि अपनो मन को काबू रखना। कोई कोई विदिन सेकेंड विदिन आवर्स में इसको कंट्रोल करते हैं, कोई कोई उसको सालों भर जन्म जन्म तक उसको कंट्रोल करने के लिए ये उसका क्या बोलते हैं रिसर्च करते जाते हैं, कैसे हमारे मन को काबू करो 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 ऐसा बोल के चलते हैं। एक्चुअल में बेसिक यही है, ध्यान कोई चीज के ऊपर क्या कोई ऐसा कुछ नहीं है, मन प्रसन्न रखना है ध्यान है। मन में कभी कोई क्लेश नहीं, द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, इन सब चीज़ अगर अंदर नहीं है, आप कोई भी ट्रेडिशन का किसी भी चीज़ का भी आप फॉलो करो, एक घंटा दो घंटा कभी भी बोलो, वहाँ कुछ भी ऐसे कोई विकल्प नहीं होता तो आपको ध्यान प्राप्त है। लेकिन जिंदगी भर हम इनको हटाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, कि हम बैठते हैं कोई पर्टिकुलर वस्तु या विचार के ऊपर हम सोचते जाते हैं, तो विचार करते करते जो हमारे लिए नहीं चाहिए उसको हटाने की कोशिश करते हैं। कपड़े में मैल है, गंदा है, तो हम उसको गंदा पानी से सफाई नहीं करते, दूसरे बाल्टी में अच्छा पानी लगाते हैं, उस पानी से हमारा कपड़े को साफ रखते हैं। जैसे अपने अंदर भी राग है, द्वेष है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या आता है, ये इंसान का अंदर अट्रैक्शन होता है लोगों के हमारा इन सब चीज़ों से। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है लेकिन अट्रैक्शन हो जाता है, बाहर के सब चीज़ें देखते हैं तो हमको ये हो जाता है। तो वो होने के बावजूद भी अगर हमारा अंदर का जो रियल नेचर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने का, वो नेचर अगर हमारा जागृत रहे, आप उसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। अब हम लोग को पांच इंद्री से ही जागृत है, लेकिन जानवर पांच इंद्री के साथ भी छठा इंद्री उसका जागृत रहता है। तो दुनिया में कोई भी गड़बड़ी होती है उनको सब पता होता है, इंसान को नहीं पता होता, क्योंकि इंसान को ये सिर्फ अपना पांच इंद्री के ऊपर ही लक्ष्य है, उसको छठा इंद्री के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं मतलब ध्यान नहीं देता, उधर फोकस नहीं करता, वो सोचता है कि मैं अच्छे से खाओ पियो मस्त रहो जिंदगी यही अच्छा है। जब अनहोनी होता है उसके प्रति उसको जागृत नहीं होता, लेकिन सारे दुनिया के सभी जानवर वो सिक्स सेंस को एक्टिव रखते हैं, बाकी इंद्रिका उनको खाना देते हैं, हम लोग सामान्य पशु भी प्रमाणम वो भी खाते सोते पीते संसार चलाते सब चीज़ें सब सुभाषित बोलते हैं, वो सुभाषित है बस। लेकिन रियलिटी में ऐसा है, वो खाने पीने में हमारे जैसे सिस्टम से नहीं खाते होंगे, सिस्टम से सोते नहीं होंगे, लेकिन सिक्स इंद्रियों को जागृत रखते हैं कि कोई भी अपने ऊपर होने वाले या अपने से किसी के ऊपर भी हमारा कुछ होने वाला है, वो अपना इंद्रिय से उसको काबू रखते हैं, हाथी हो घोड़ा हो सब चीज़ें ऐसा। इसलिए मनुष्य उस इंद्रिय को जागृत करने के लिए ही ये प्रयास करते हैं, ध्यान करता है, अलग अलग विचार अलग अलग चीज़ों को लेके ध्यान करता है। लेकिन बेसिक इतना ही है सारे संसार में कि हमारे जैसे सब जीव है, वो कोई अपने अपने हम लोग धार्मिक विचार से बोलते हैं कि पुण्य और पाप के कारण से हम लोग परिस्थिति में लुप्त है, किसी का अच्छा हो रहा है किसी का बुरा हो रहा है, ये तो अपना अपना किया हुआ है। हम लोग भगवद गीता में बोलते हैं ना, जो अपने कर्म है उसका ही फल हम भुगतते हैं। तो हमको अगर हमारे अंदर कोई भी किसी के प्रति भी अगर बुरा विचार नहीं आता या आता भी उसको कंट्रोल करते हैं, तो वही ध्यान है। आपको कहीं भी मतलब एक जगह पर पर्टिकुलर बैठ के आसन पे बैठ के करने से वो ध्यान होता है ऐसा नहीं, हमारे विचार बोलने में चलने में, तो हमारे जब जब भी हमारा मन चिंतन, क्योंकि ये मन एक जगह टिकता नहीं है, तो वो जब भी हमारा मन के विचार शुरू रहता है चालू रहता है, तो वह कभी भी ऐसे राग द्वेष या क्लेश किसी के प्रति हमारा जो भी बुरी भावना है वो आने नहीं जा, अगर आ भी गया उसको हटाना है पहले, अच्छे पानी से गंदा पानी गंदा कपड़े को सफाई करना है तुरंत, अगर हमारा मेल लग गया तुरंत हम उसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा लगे या ज़्यादा लगे उसको तुरंत अच्छा पानी से, तो हमको
अच्छे विचारों को ज्यादा कलेक्शन रहना जरूरी है। अच्छे विचार हमारे अंदर नहीं है तो हम उसको अपने अंदर की इस विचार को दूर करने के लिए कोशिश करें तो भी वो हटता नहीं है, वही हम वहीं फंसे रहते हैं। पहले मेल से उठना है, मेल से गंदगी से बाहर आना है, तो उसका हम अच्छा विचार हमारे पास कलेक्ट होना जरूरी है। तो बस इतना ही सिंपल सिटी है, इसमें कोई धर्म नहीं है, किसी का शास्त्र नहीं है, किसी भगवान का कहा हुआ नहीं है, सिंपल यही है। कोई भी अगर इंसान के नाते रहना चाहते हैं, आगत देश रहित और ईर्ष्या क्लेश सरहित समाधान से, आज विवेकानंद जयंती है, जन्म दिवस है ना उनका, तो भी यही था, सहज रहो, उसमें कोई विकल्प नहीं संसार के कोई चीज़ों से। आप लोग इसको सीखने के लिए आए हैं, गुरु जी सिखाते हैं, जरूर है संसार में ज़्यादा होता है विकल्प, गृहस्थ है, कोई व्यापारी है, कोई पढ़ाते हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई काम करता है, तो इन सभी जगहों पर अपने अपने अलग अलग विकल्प के साथ हम लोग घुसे हैं। हमारे जॉब करते समय वहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट करने वाला भी है, क्रिटिसाइज करने वाला भी है, हमारा हैप्पीनेस से हैप्पी होने वाला भी है, जलस होने वाला भी है, और हमारा बिजनेस से खुश होने वाला भी है, नहीं खुश होने वाला भी है, उसको रोकने वाला भी है, ये सब चीज़ों से हमारा मन बहुत दुखी होता है। लेकिन हमको इतना ही समझना है कि जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमारे मन से अच्छा कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई बुरा भी कर रहे हैं तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, कि हमारा मन में कोई दूसरे के प्रति विकल्प नहीं है। योग सूत्र में बोलता है अहिंसा तत्सन्निधौ प्रतिष्ठायाम राग, ये राग द्वेष रहित जिनके पास भी हम बैठे वहाँ पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, उसी को ही हम सच्चा योग बोलते हैं। तो जहाँ भी हमको हमारे अंदर कोई दूसरे हमारे लिए कर रहे हैं बहुत अलग है वो बात है, लेकिन हमारे अंदर से वो भाव को जागृत नहीं रखने का, यही योग है, यही ध्यान है कि हाँ हमारे करने वाले बहुत है, हमारे लिए दुश्मन अलग है, हम दो है, हमारा दो आंख से देखते हैं, हमारे देखने वाले आंख बहुत सारा है, तो हम लेकिन हमको सब आंखों को देख के क्या करना है कि हमारा आंख हमारे तरफ देखे, हमारे मन में ऐसा भाव ना आए कि हमारे प्रति किसी ने ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सबको देख के अपना भाव को नहीं निकालना है, हमारे अंदर से वो जैसा कर रहे हैं हमारे के लिए ऐसा नहीं करना है, यही थॉट है कि हम उनको बुरा नहीं चाहेंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहेंगे, वो हमारे लिए दे रहे हैं ओके, लेकिन हम नहीं देना चाहेंगे। कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया, आप क्रिया के लिए अगर प्रतिक्रिया करेंगे वो सिस्टम कंटिन्यू होता है, आप उसको विरोध करोगे फिर वो अगला दिन फिर उससे ज़्यादा ताकत के साथ विरोध करेगा, और आप और ज़्यादा विरोध करेंगे वो चार गुना ज़्यादा ताकत से वो विरोध करेगा, वो हारेगा नहीं, वो बोलेगा इसको हम तो इसको नुकसान पहुंचना है, वो क्रिया जब भी आप देते रहेंगे उसके डबल डबल वो हमको तकलीफ देगा, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उदास रहेंगे, उनके प्रति अनसुना रहेंगे, बोले तो इस आदमी क्या है, इसको कितना भी बोलो कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, चार बार बोलेगा, तो बोलेगा ये आदमी से हमारा पंगा नहीं ले सकते, ये तो बेकार आदमी है, कुछ भी बोलो इसको कुछ में मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमको ऐसे ही रहना है, उनको मूर्ख बन के ही रहना है, कि ऐसे आदमी के साथ मूर्ख बनना है जो बहुत समझदार के तरीके से वो हमको समझता है और हमको वो बिहेव करता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे भाव बिगड़ रहा है, तो हमको इतना मूर्ख बनना है कि हमको उसको रिएक्शन नहीं करना, तो अनजान है, हमको पता नहीं, वो कुछ भी बोलो हमको पता नहीं, तो बाल जो बच्चे होते हैं उनको कुछ भी बोलो विद इन सेकेंड में वो भूल जाते हैं, एक घंटे में गुस्सा हो गया तो आधा घंटे में फिर वापस वो नॉर्मल हो गया, तो हमें वो कुछ भी बोल रहा है विद इन सेकेंड में कुछ हो गया एहसास छोड़ दिया, वो आदमी ऐसा है हम उसको क्या रिएक्शन करना है, तो आप जहाँ जहाँ वहीं पर ध्यान है और कुछ नहीं है, ध्यान के लिए हिमालय जाना जरूरी नहीं है, ध्यान के लिए कोई पहाड़ जाना, गुफा में जाना, नदी में जाना, ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन जितने साधना करना है और कम साधन मतलब मेटेरियल कलेक्शन जितना हो सकते हम अपने के लिए जरूरत नहीं है ऐसे चीज़ों का, ऐसे विचारों को कलेक्ट नहीं करना, जो हमारे लिए उपयोगी है वही चीज़ों को हमारे पास संग्रह करना। तो पुराने जमाने में महावीर भगवान इतना कहा अपरिग्रह, अपरिग्रह, परिग्रह मीन्स कलेक्शन करना, अपरिग्रह
कलेक्शन नहीं करना, तो वो विचार हो चाहे साधन हो, तो आपको जितना चाहिए उतना ही कलेक्ट करो, जिससे नुकसान होगा दुख होगा, ऐसे विचार और ऐसे साधन को संग्रह नहीं करो बोल के ही महावीर और बुद्ध ने यही बोला। तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमको जितना जरूरत है पेट के लिए जितना जरूरत उतना खाते हैं, तो हम मन को भी इतना ही है, दिमाग को इतना ही कि हमें जितना जरूरत है उतना ही संग्रह करें विषय, और क्यों ज़्यादा कलेक्शन करना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जरूरत पड़ेगा क्या जरूरत है, हमें जो जरूरत है उतना ही कलेक्ट करो, जितना जरूरत नहीं है सारे दुनिया का समझ के क्या करना है, जितने भी भगवान बने राम बने बुद्ध बने गौतम बने वो लोग इतने सारे होते भी वो लोग उसको त्यागा, तो हमारे में बोलते हैं त्यागात शांति, जितने आप विचारों को और साधन को छोड़ते जाते हैं उतने आप सुखी बनते जाते हैं। अगर हम भगवान मानते हैं उन लोगों को, वो उनके त्याग के कारण से उनको भगवान मान रहे हैं, देखो राजपाट का सब छोड़ दिया, चक्रवर्ती पाद कामना छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब क्या, उनके प्रति उनका जो आग्रह था उनके आकर्षण था वो छोड़ने के बाद ही वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया, मतलब अपने आप को ये पद में पहुँचे, आत्म कल्याण किया। तो कोई भी भगवान कभी नहीं किया मैं जो कर रहा हूँ तुम लोग उसको फॉलो करो, पहले ज़माने में ऐसा ही था, अगर कोई सक्सेस पर्सन है तो उसका रूट को देखते थे, वो कैसे चला है, कैसे बेटा है, कैसे बात किया, इन सबको लोग ऑब्जर्व करते थे, तो लोग ये समझते थे हमको ये बता रहे हैं अगर सच्चा मार्ग चाहिए तो मेरे रास्ते में आओ बोल रहे हैं कि हमें भी वही रास्ते में जाना है। लेकिन कोई भी भगवान, हम लोग आज किताब पढ़ते बोलते भगवान ने उपदेश दिया, भगवान उपदेश नहीं दिया, भगवान अपने कैरेक्टर से उपदेश दिया, मुँह से नहीं बोला मेरे जैसे बनो बोल के, वो अपने रास्ता खोजते गए, लोगों को लगा ये रास्ता सही है, देखो इसका सक्सेस मिला है लाइफ में, बहुत सक्सेस मिला है, तो सक्सेस मिला है तो इसका रूल को ही हम फॉलो करना है, तो कोई उन्होंने भगवान ने तो नहीं बोला, अगर बोल दिया तो आग्रह होगा मेरे जैसे बनना हो तो मेरे जैसे करो, तो किसी के प्रति राग हो गया मेरे जैसे बनना है तुम तो मेरा फॉलो करो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं करा तो ऐसा होगा तो द्वेष हो गया, तो अगर जहाँ राग और द्वेष है तो वहाँ आपका पूर्णता नहीं मानता है, पूर्णता प्राप्ति अगर किसी के प्रति भी अपना हो चाहे शिष्य हो चाहे गृहस्थ हो, किसी प्रति भी अगर उनको थोड़ा भी सरसों बराबर भी थोड़ा भी आकर्षण या आकांक्षा रख के अगर ये मेरे हैं इसलिए मैं उनको उपाय बता दूँ, ये मेरे नहीं है मेरा विरोध करता है इसलिए मैं उनको कुछ भी मैं उपाय ना बताओ, अगर ऐसा कोई जिस किसी के प्रति भी अगर जिन्होंने भी साधक महापुरुष ये सोचते राग और द्वेष के कारण से अगर सोचते वो भगवान के रूप में हम लोग उनको हाथ नहीं जोड़ते, उन्होंने इतना ही कि अपना जिंदगी में राग और द्वेष से ही आगे चले, तो मेरा हो या पराया हो उनका लक्ष्य मेरा नहीं है, मेरा लक्ष्य जो है वही मेरा है कि मेरे लिए वो रास्ते में जाना है जिसमें हम मेरे लिए यश मिलेगा कीर्ति में मतलब सक्सेस मिलेगा उसमें जाना है, तो इसलिए आज हम कितने भी राम से लेकर कितने भी महापुरुष हैं उनको भगवान की दर्जा इसलिए देते हैं वो संसार के लफड़े में नहीं पड़े, वो ऐसा कह रहा है ये ऐसा कह रहा है उनको रिएक्शन दो उनको एक्शन करो इनको एक्शन ले दो, वो सारे संसार के इससे ज़्यादा विरोध उन लोगों को होता था उस समय में, तो भी अपना काम जो है मैं जिस उद्देश्य से इस जन्म को लिया हूँ मनुष्य जन्म उस मनुष्य जन्म को मैं अपने आप को उपयोग करना है, क्योंकि लिमिटेड लाइफ है 100 साल 120 साल उस समय 1000 साल होगा लेकिन वो भी तो 100 साल के बराबर है, सांस लेते थे उतना खत्म हो जाता सांस, क्योंकि जितने 1000 साल और भी लोग जीते थे लेकिन सभी लोग भगवान नहीं बने, सेलेक्टेड या जिन्होंने चूज किया लाइफ वही लोग भगवान के मतलब अपने आत्मोन्नति को प्राप्त किए, तो इसलिए ध्यान की प्रक्रिया कोई विचार या कोई चीज़ को लेकर करने से ज़्यादा कि हमारा हर चीज़ में हर क्रियाओं में हमारा मन ही है कि हमारा मन उसको आकर्षण ना हो, कि हमारा बिल्कुल हमारे अपने हैं अपना फैमिली अपने फ्रेंड्स भी हो चाहे दूसरे कोई अनजान आदमी भी मेरे प्रति अगर कुछ बोलता है तो मुझे उस तरफ ध्यान नहीं देना, ऐसे ही कहते हैं ना हम ध्यान नहीं देना, ध्यान लगाना और ध्यान देना कि हमारा मन उस तरफ नहीं देना है, मैं उसको अट्रैक्शन नहीं होना है उसके तरफ, कि हमारा ध्यान जो है अपने ऊपर है कि मैं ऐसा नहीं हूँ
मैं क्यों फालतू में उनके विचार को हम एक्सेप्ट करें? अगर मुझे बुरा बोल रहे हैं, मैं क्यों अपने आप को समझूं मैं बुरा नहीं हूं, मुझे ऐसा कैसा बोल दिया वो? ठीक है, मैं नहीं हूं तो नहीं हूं, वो अगर बोलते हैं मैं बुरा थोड़ी हूं। मैं उनकी प्रतिक्रिया को हम और दोबारा रिप्लाई नहीं देना उसको। तो यही सारे ए टू जेड अपना जीरो डे से लेकर जिन्होंने अपना लाइफ को ऐसा जिया, तो हम उसको राम बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, बाकी सब दर्जा देते हैं। मंदिर के बारे में जानकारी दे सकते थोड़ा? ये क्षेत्र जो है अंबुजा, ये लगभग 1400 साल पुराने, मतलब सन 602 में पद्मावती माता बोल के यहाँ जो है पार्श्वनाथ तीर्थंकर, हमारे में 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें से 23 नंबर का तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान जी, उनके यक्ष और यक्षिणी धर्मेंद्र जी और पद्मावती जी। ये तिरुपति वाले पद्मावती अलग है, ये पद्मावती अलग है, वो श्रीनिवास जी के वाइफ, और ये जो है तीर्थंकर की यक्षी जो उनकी सेवा में रहते भक्त हैं। तो उनका इनका ड्यूटी होता है जो भगवान उपदेश देते हैं उस उपदेश का फॉलो कराने का काम कराते हैं, कि धर्म के स्वरूप को उन्होंने बताया जो है उसके विरुद्ध नहीं जाने देना उनका काम है। वो चाहे स्त्री वर्ग के लिए यक्षी होते हैं और पुरुष वर्ग के लिए यक्ष होते हैं, उनको अपने धर्म की परिपालन करने के लिए वो भगवान का उपदेश को फॉलो करवाना उनका ड्यूटी होता है। ये माता पद्मावती मदुरई से आते हैं, मतलब एक राजा उनके घर में पूजा करने वाले प्रतिमा थी, अभी जो पूजा कर रहे हैं 1400 साल पहले, वहाँ से राजा जिंदत्त बोलते, वहाँ कुछ उनको समस्या होते है परिवार में, तो वो 14 साल की लड़का वहाँ से माता को कांधे में बांधवा के उनकी माँ उनको बांध के भेज देती है, जहाँ तुमको माता संकेत देगी वहाँ जाके रुको बोलते हैं। तो यहाँ आके उनको माता संकेत देते स्वप्न में, तुमको यहाँ रहना है और यहीं राज्य स्थापना करना है। तो तब उनको सपने में वो पूछता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, काली कंगाल होके आया हूँ, तो मैं राज्य स्थापना के लिए मेरे पास पैसा आदमी कुछ भी नहीं है। तब माता पद्मावती ने उनको आदेश दिया था, मेरे जो प्रतिमा लाए मूर्ति, उस मूर्ति को लोहे का स्पर्श करो, लोहा सोना बनेगा, तो सोने को बेच के तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो खरीद सकते हो बोलते। तो फिर ऐसा बनने बाद वो अपना परीक्षा करता है, करने के लिए उनके पास कुछ लोहा वगैरह जंगल में कहाँ ढूंढेगा, तो अपना घोड़े के ऊपर आया रहा था, घोड़े का नाल निकाल के प्रतिमा को स्पर्श करता, गोल्ड बनता है। तो उनको ट्रस्ट बढ़ता है माता के प्रति उनकी बात के ऊपर, तो रोज जंगलों में लोहा ढूंढ के सोना बनाता था। तो यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते थे वो सब लोग मिलकर उनको राजा घोषित करके यहाँ पर राज्य स्थापना करते हैं, और वो राजा यहाँ पर उनके परिवार के लोगों 1000 ईयर्स यहाँ पर राज किया। ये जब मूर्ति स्थापना हुई 602 में स्थापना हुई, उसके 1000 ईयर्स यहाँ पर लगभग यहाँ कैल्दी डेस्टिनी जो यहाँ साम्राज्य चल रहा था तब तक यहाँ उनके परिवार के लोग राज किया। और उनको जब स्थापना के बाद कुछ साल बाद पद्मावती माता उनको परीक्षा लेती है, यहाँ एक 100 मीटर में एक तालाब है, लेक है, उसको मोती तालाब बोलते हैं, मुतिन किरे, तो उसमें 2 पर्ल्स मोती मिलते हैं। राजा के हाथ में देने के बाद राजा सोचता है इसमें एक असली मोती है और एक नकली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। वो सोचता है एक ओरिजिनल मोती जो है उस मोती से मेरे रानी का नथ बना दूंगा, वो रानी को चढ़ा, रानी को गिफ्ट में दे दूंगा, और जो नकली मोती है उससे और एक नथ बना के देवी को चढ़ा दूंगा, ऐसा वो सोचता है। तो अगला दिन जब वो गोल्ड बनाने सोना बनाने के लिए आता है, तब माता दर्शन देते हुए उनका नथ दिखाती है उनको मूर्ति में। तो उसको माता होता है मैं, मेरा जो अंदर चीटिंग करने का जो भाव आया देवी को मालूम हो गया, तो सॉरी बोलता है, मेरा गलती हो गया, आपसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो पद्मावती माता उनको दर्शन देते हुए आदेश देती, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, यहाँ नहीं रहूँगी, कि तुम्हारे अंदर चीटिंग का भाव आया, मैं यहाँ से जगह तब नहीं रहती। तो फिर वो राजा बोला, गलती मैंने किया, मिस्टेक मेरा है, तो मैं सॉरी बोलूँगा और मैं चला जाऊँगा, आप यहाँ रहो। तो दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है, फिर बाद में राजा बोलते हैं आप चले जाओगे तो मैं मर जाऊँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। तो देवी तब उनको 3 प्रॉमिस देती है, तो लेक जहाँ मोती मिली थी, जब तक वो तालाब में पानी रहेगा 12 महीना भी पानी रहता, कभी कम नहीं होता। और जो मंदिर के पीछे बिल्कुल फाउंडेशन लगे हुए एक पेड़ है, लक्की पेड़ बोलते हैं कन्नड़ में, उसका संस्कृत में निर्गुंडी वृक्ष, वो पेड़ में ही उनको पहला स्थापना हुई थी, स्वप्न दिए थे वो।
तो फिर वो पेड़ जब तक ग्रीन रहेगा, तो बहुत सालों से उसके पहले भी ग्रीन था, अभी भी वो पेड़ है, उसी जाड़ से बना हुआ है, अभी नया कोई हम लोग नहीं लगाया, 1400 इसके बिफोर भी था, उसके बाद से भी वो है। और मेरे सामने अगर कोई अपना कोई डाउट्स कोई संशय हो था मेरे सामने, अगर प्रेयर करते हैं कि मेरा ऐसा कुछ होना है तो उसका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो उनके राइट साइड से फ्लावर गिरेगा, अगर काम होगा तो गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरता। तो ये तीन वचन मैं दूंगी, जब तक यहाँ पर है तब तक मैं यहाँ पर आवास करूँगी, मेरा जो मूल स्थान है यही रहेगा। और तुमको आज से जो गोल्ड बनाने के लिए जो विद्या दिए थे वो नहीं रहेगा बोल के माता उनको बोल के अदृश्य हो जाते हैं। तो तब से अभी तक भी ये तीनों प्रॉमिसिंग यहाँ पर है, अभी भी लोग उसी के इंटरेस्ट से आते हैं, दर्शन करते जाते हैं अपने अपने मन जी। ये लगभग 1400 से हमको बटारक जी बोलते हैं गुरु जी, कि पहले राजा लोग संभालते थे उनके समय में, हम उस समय गुरु जी का धर्म प्रवचन प्रभाव न करना था, जब उनके राजा लोग खत्म हो गए तो उसके बाद ये डबल ड्यूटी मंदिर वगैरह संभालना भी और धर्मोपदेश भी देना, ये ट्रेडिशन का रूल होता है 1400 साल से भी यहाँ पर ऐसा। पांच गर्भगृह है, गर्भगृह वो पांच गर्भगृह का मंदिर, वो तालाब के पास एक मंदिर है, पंच बस्ती बोलते वो, पांच भगवान का अलग अलग मंदिर है, एक ही में पांच भगवान है, वो आर्कोलॉजी के अंदर में सिंपल आर्कोलॉजी के, तो ऐसे 7-8 मंदिर है, पहाड़ पे भी एक मंदिर है, इधर 2-3 मंदिर, इसको मठ बोलते हैं, यहाँ गुरुकुल रहते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको रेगुलर क्लास और विथ धार्मिक भी पढ़ाते हैं उनको, ये सब करते हैं। तो बहुत दूर से आए हैं, आपका ध्यान सिद्धि हो, बस यही। सभी लोग मौन व्रत में है, अच्छा इसलिए बोल नहीं रहे, हम अकेले बोल रहे हैं हमारी ग्रुप की, लेकिन मन में तो बहुत बोल रहे हैं, अगर पूछने का चांस मिलता, अगर हमारा बोलने का चांस मिलता, हम पूछने का चांस मिलता, बहुत बोल रहे हैं। प्रवचन तो पूरा, प्रवचन से पूरा डाउट्स क्लियर हो गया ना। अच्छा, आपके ध्यान सिद्धि हो, और संसार में इसी के लिए आए, सिद्धि करने के लिए आए, एक बार सिद्धि हो गया तो हमारा सबका कल्याण हो जाएगा।